हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू शाज बायोलॉजी. लास्ट हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जाने थे, उनके बारे में पता करा था कि क्या क्या होते हैं. फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरो गैरा पढ़ा था. प्लानेरिया में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था हमने, ठीक है. तो ये सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे. तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा बडिंग. आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ बडिंग, बडिंग होता क्या है, किसके अंदर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है. तो चलिए मैं छोटी सी आपको एक पहले कहानी सुनाती हूँ. एक लड़का था अनमोल. उसकी मदर ने उसे भेजा कि जाओ जाके ब्रेड ख़रीद के लाओ. जब अनमोल ब्रेड लेके आने लगा वापस, तो रास्ते में उसे ब्रेड को देख के ये ख्याल आया कि ब्रेड इतनी फूली फूली क्यों है, मतलब ये इतनी फ्लफ़ी क्यों है, इसके अंदर ऐसा क्या डाला जाता है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी है, इतनी फूली हुई है, या फिर ये केक्स वगैरह क्यों इतने फूले होते हैं. तो ये क्वेश्चन अनमोल ने अपनी मदर से आके घर पे पूछा. तो उसकी मदर ने उसे बताया कि इसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाला जाता है. क्या डाला जाता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डाला जाता है. उसका नाम होता है ईस्ट. क्या नाम होता है? ईस्ट, ठीक है. सेक्रोमाइसिस सर्वेसी उसका नाम होता है. जो ईस्ट होती है वो क्या होता है, एक फंगस है, और यूनिसेलुलर फंगस है. वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते अगर हम उसे किसी भी, जितने भी आप ब्रेड्स केक्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं उनमें ये सेक्रोमाइसिस सर्वेसी पड़ी होती है. और ये क्या करती है, ये जब उसका आटा गूंदा जाता है तो उसके अंदर इसको एक चम्मच डाल दिया जाता है, जिसे खमीर भी कहते हैं लोग, है ना, हलवाई वगैरह कहते हैं. तो बेसिकली क्या करते हैं, एक एक चम्मच डाल देते हैं, और जब उसमें ग्लूको जब उसमें चीनी पानी वगैरह जाता है तो ये क्या करते हैं, ये उसको एज अ फूड यूज़ करती है और CO2 को लिबरेट करती है. किसको लिबरेट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को. कार्बन डाइऑक्साइड को जब लिबरेट करती है तो जो आटा होता है वो फूल के थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा हो जाता है और बढ़ जाता है. तो ये प्रोसेस है आपका किसका, ईस्ट का. तो आज हम इस ईस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ईस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करती है. ईस्ट जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करती है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे. तो ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं. कहानी समझ में आई? चलिए अब पढ़ते. तो बडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बर्ड दैट डेवलप ऑन द पेरेंट्स बॉडी. बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो जो पेरेंट्स ईस्ट है उसकी बॉडी में एक छोटी सी बर्ड निकल आती है. देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है. अब इसकी बॉडी में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है. तो इसकी बॉडी के अंदर ये एक छोटी सी बर्ड निकल आई, ठीक है, निकल आई, बर्ड का फॉर्मेशन हो गया है. अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. न्यूक्लियस तो चाहिए ना, जेनेटिक मटेरियल बगैर कैसे काम चलेगा. तो ईस्ट में जो ये बर्ड है इसके अंदर थोड़ा सा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जो पेरेंट ईस्ट थी उससे क्या बनी, एक और ईस्ट बन गई, डॉटर ईस्ट बनी, और फिर उसमें एक और बर्ड फिर से बनी, फिर उसके बाद एक और ईस्ट बनी, उसके बाद फिर उसमें बर्ड बनी. तो ये चेन चलती चली गई, ठीक है. तो चेन ऑफ बर्ड्स बन गई, और उसके बाद ईस्ट ने क्या करा, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया. तो बडिंग आपको समझ में आया? बडिंग मतलब होता है एक छोटी सी बर्ड का क्या होना, ठीक है. तो इस तरह से आपका बडिंग प्रोसेस होता है. समझ में आया किसमें होता है? ईस्ट में होता है बडिंग, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, आपके दोनों पेरेंट्स का, ठीक है, दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. एक अकेला ईस्ट ही काफ़ी है दूसरे ईस्ट को बनाने के लिए, तो इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है. इसी तरह बडिंग होती है हाइड्रा में. हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक हाइड्रा बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है और एनिमल है, एक तरह का बहुत छोटा एनिमल है जो दिख नहीं सकता आँख से, पानी में पाए जाने वाला. तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, देखिए, हाइड्रा में भी ईस्ट की तरह एक छोटा सा, सबसे पहले एक छोटा सा ये आउटग्रोथ निकली, फिर वो प्रॉपर बर्ड बन गई, बर्ड बनने के बाद वो प्रॉपर हाइड्रा बनी, और हाइड्रा बनने के बाद वो बेसिकली वो एक पूरा हाइड्रा बन के क्या करा, उसने अपनी पेरेंट्स बॉडी से वो अलग डिटैच होके अलग चला गया, ठीक है. फिर ये जो हाइड्रा होगा वो यहाँ आएगा, और ये इसमें भी इसी तरह बर्ड बनेगी, फिर इसी तरह से डॉटर जो हाइड्रा होगा वो निकल जाएगा. तो बर्ड का फॉर्मेशन होता है बडिंग के अंदर, ठीक है. चलिए चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन.
कि स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं और क्या होते हैं और किस में फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक मेथड है, किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे जितने भी मेथड्स हैं वो अपने आप में बहुत ईजी है, मगर ये मेथड जो है इसी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, जिस तरह आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जिस तरह से एक स्पोर हो सीड बनते हैं ना प्लांट्स में, और वो सीड हम कहीं भी फेंक देते हैं और फिर उसको जब कंडीशन मिलती है फेवरेबल तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट बन जाते हैं, नए छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उससे, है ना, यही तो होता है। इसी तरह कुछ चीज फंगस क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, सीड की तरह उनके स्पोर्स होते हैं और वो उस स्पोर को क्या करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। और जब उन स्पोर्स को फंगस में क्या, स्पोर्स को क्या मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी क्योंकि फंगस देखो मॉइस्चर लविंग पसंद करता है, मॉइस्चर गीली जगहों से पसंद होती है, तो जैसे ही उसे मॉइस्चर वाली कंडीशन मिलती है या कोई ऐसी चीज़ के ऊपर वो ग्रो कर रहा होता है जो उसके लिए न्यूट्रिशन देगी, तो वो उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये किस में होता है, फंगस में होता है। सेकंड, मेनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन द सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजिया फंगस के अंदर वो पार्ट है जिसमें बेसिकली क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वेल स्पोरेंजिया ब्रस्ट मिनट सिंगल सेंट थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स और ऑप्शन। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं जब फटते हैं तो इनमें से छोटे छोटे सिंगल सेल और थिन और थिक वॉल्ड के स्ट्रक्चर्स यानी छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कोई सीड का सीड पॉड होता है, सीड पॉड फटता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं, वैसे ही सीड पॉड की तरह एक होता है स्पोरेंजिया। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगी, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। चले पहले देख लेते हैं, देखिए ये होता है आप, ये होता है आपका स्पोरेंजिया, ये क्या है आपका स्पोरेंजियम, इसके अंदर बंद होते हैं स्पोर्स। देखिए इन्होंने स्पोरेंजियम की कवरिंग हटा के स्पोर्स दिखा दिया आपको, ठीक है। ये नीचे नीचे जो ये पार्ट है, ये वाले पार्ट जो हैं ये हाइफी होते हैं, एक इससे एक फंगस दूसरे फंगस से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये राइजोपस फंगस है। राइजोपस जो है वो आपका कहाँ किस में पाया जाता है, ब्रेड माउल्ड, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेड माउल्ड, इन द सेंस कि जो आपने देखा होगा ना कि कभी कोई ब्रेड को अगर रख दोगे और वो थोड़ी सी गीली हो जाए पानी में और आपने उसे रख दिया फिर उसे फेंका नहीं, तो उसमें हरा हरा कलर सा कुछ ब्लूश सा कलर का हमें कुछ नज़र आता है, तो वो होता है ब्रेड माउल फंगस, ठीक। चलो आगे वापस चलते हैं अपनी जगह पे। तो ये जो स्पोरेंजिया होता है ये फट जाता है, ठीक है। अगर जैसे ये स्पोरेंजिया है ये फट जाएगा, ये फट जाएगा तो इसमें से कई सारे क्या करेगा, स्पोरों को इस तरह कई सारे स्पोर्स को इसने क्या करा, फैला दिया यहाँ पे इधर उधर, क्या करा उसने, इस तरह से कई सारे स्पोर्सों को फैला दिया, ठीक है। इसके अंदर स्पोर पाए गए थे और जब ये स्पोर फटे तो इसमें से ये निकल गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें ये इस तरह से स्पोर भरे हुए थे और ये सारे स्पोर्स हमारे बाहर आ गए, ठीक। तो ये जो व्हेन स्पोरेंजिया ब्रस्ट मिनट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर ऑप्टेंड, तो जब स्पोरेंजिया फटता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं। एक सूटेबल कंडीशन में आके ये क्या करते हैं, नए फंगस को बनाते हैं। समझ में आया बात, स्पोर फॉर्मेशन किस में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, ठीक। किसका मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या होता है, इस फंगस का की वो बॉडी बॉडी जिसमें स्पोर कैप्चर होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें समझ में, चलो आगे चलते हैं। रिप्रोड्यूसिंग यूजिंग स्पोर इज एन असेक्सुअल मेथड। इन स्पोर के थ्रू अपने आप को क्या करना, ऐसे रिप्रोड्यूस करना। देखो जैसे सीड फेंके तुमने कहीं पे, फिर उसको इन बारिश हुई, उसको पानी मिला, नमी मिली, मिट्टी मिली, वो उग गया दोबारा, वैसे ही ये स्पोर्स होते हैं। फंगस अपने स्पोर्स छोड़ देते हैं और उनसे नए फंगस बन जाते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया नॉब लाइक स्ट्रक्चर, वो तो तुम्हें दिखी गया अभी डायग्राम में दिखा है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी वो थ्रेड था जिसके ऊपर वो हाइफी जो था वो क्या था, थ्रेड। हाइफी वो थ्रेड है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर खूब सारे स्पोर भरे हुए हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये थ्रेड है तुम्हारा जिससे हाइफी, जिस पे स्पोरेंजिया ये कनेक्ट है।
दे आर डिस्पर्सिव एंड दे आर स्कैटर्ड बाई रेन विंड और इंसेक्ट। ये आसानी से डिस्पर्सिव हैं, कोई कीड़ा बैठ गया, कोई बारिश हुई तो वो आसानी से वो हिलेगा, जैसे स्पोरेंजिया हवा से या विंड से या किसी भी चीज़ से अगर वो हिलेगा तो क्या होगा, उसमें से स्पोर्ट्स निकल कर वो फट जाएगा और स्पोर्ट्स को इधर उधर स्कैटर्ड कर दे। ठीक है, चलिए। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये तो समझ में आ गया, डायग्राम भी देख लीजिए। इस डायग्राम को प्लीज़ बना लीजिएगा, प्लीज़, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। अगर आप इस स्पोर फॉर्मेशन में लिखना भूल गए तो ये छोटा सा डायग्राम आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है और आपने 2-3 लाइन लिखा और आपको याद नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है, तो प्लीज़ ये डायग्राम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड माउल्ड, ब्रेड माउल्ड मैंने बताया ना, जो ब्रेड में फंगस लग जाता है उसकी बात कर रहे हैं। जरा ब्रेड माउल्ड, इसको ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं और राइजोपस भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे राइजोपस ये प्लांट नहीं है, ये फंगस है। ठीक है, तो इसको इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप कि नहीं है यहाँ पे। द ब्रेड माउल्ड और राइजोपस अंडरगोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर्स। ब्रेड माउल्ड भी यही काम करता है, क्योंकि फंगस है तो फंगस स्पोर फॉर्मेशन से ही बनेगा। स्पोर्स आर रेजिस्टेड टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये जो स्पोर्स होते हैं हर एडवर्सल कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। भाई सीधी बात है ना, अगर रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो स्पोर बेसिकली बनेंगे कैसे। ठीक है, तो एडवर्स कंडीशंस को ये क्या कर सकते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, ये ज़िंदा कैसे रहेंगे, फंगस को कैसे पैदा करेंगे। तो इसलिए जाहिर सी बात है एडवर्स कंडीशन को। अब देखिए सीड्स होते हैं, सीड्स को भी क्या होता है, सीड्स छुपे रहते हैं। जैसे बारिश होती है तो देखिए अचानक से बहुत सारे पेड़ पौधे आपको अपने आप ही उगते हुए नज़र आते हैं, तो वो सीड क्या कर रहे होते हैं, वो अपने डोरमेंट कंडीशन में होते हैं और फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फंगस का जो स्पोर होता है वो भी फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहा होता है कि जब उसे मॉइस्चर मिलेगा तो वह नया फंगस बना देगा। दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो एंड हैंस फंगस इज सीन ऑन द ब्रेड। ठीक है, मैंने बता दिया ना आपको कि ये क्या करता है, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है और फंगस को ब्रेड के अंदर, फंगस इज सीन ऑन द ब्रेड, ब्रेड पे होते हैं। द डिस्पर्स स्पोर फॉल ऑन द ब्रेड सरफेस, जो डिस्पर्स स्पोर होते हैं वो ब्रेड सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं। एंड एज डिज़ायरेबल कंडीशन आर ऑब्टेन्ड दे जर्मिनेट एंड रिप्रोड्यूस, और ये जर्मिनेट कर जाते हैं और रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। अचार में देखा है फंगस लग जाता है वाइट वाइट वो। तो आई होप आपको ये स्पोर फॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा से इस वीडियो को बनाऊंगी और मैं दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इसको प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।